एलपीजी पंचायत के माध्यम से जिले को धुआं मुक्त करने के लिए सरकार के साथ मिलकर तीनों पेट्रोलियम कंपनियां नए कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में उन गांवों को चिन्हित किया गया जिनमें 50% से अधिक घर एससी कैटेगरी के लोगों के हैं। 20 अप्रैल को इन गांवों में ऐसे घरों से गैस कनेक्शन दिए जाने हैं जिनके पास किसी भी योजना के तहत कनेक्शन नहीं है। इसके बाद इन्हें धुआं मुक्त गांव का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सोशल इकोनॉमिक सेंस सर्वे 2011 से जिले में करीब 6,000 घरों को मुफ्त गैस कनेक्शन योजना के लिए चिन्हित किया गया था। भारत पेट्रोलियम के डीजीएम विनीत सिंह ने बताया कि प्रदेश में 108 व रेवाड़ी में 100% गैस कनेक्शन का आंकड़ा है, लेकिन अभी भी कुछ घरों में गैस कनेक्शन नहीं हो पाए हैं। ये क्या पूरा मकसद था? इसमें हमारा ये आपसे निवेदन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताया जाए कि गैस कनेक्शन अवेलेबल है, और कुछ 9 गांव हमने रेवाड़ी में चुने हैं और उसको हम स्मोकलेस करेंगे और वहाँ पर हम 100% एलपीजी कवरेज करना चाहते हैं। हमारा ध्येय ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें आपके द्वारा। एक आप कैटेगरीज की बात कर रहे थे जी, तो 7 कैटेगरी हैं जो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी बलिया से, उसमें अभी 3.5 करोड़ कनेक्शन बढ़ चुके हैं और अब ध्येय ये है कि हम उसको 8 करोड़ तक ले जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो महिलाएं गांव में, उनको चूल्हे के धुएं से बचाना है, उससे जो कैंसर और भी फेफड़े की बीमारियां होती हैं उससे बचाने के लिए ये योजना जो है उसमें और कैटेगरी हमने 7 नई कैटेगरी जोड़ी हैं, जिसमें पहली है SC ST हाउस होल्ड, दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना, तीसरी है मोस्ट बैकवर्ड क्लास, चौथी है अंत्योदय अन्न योजना AAY, पांचवी है टी और टी गार्डन के जो लोग हैं उनको उसमें शामिल किया गया है, फिर फॉरेस्ट में रहने जो जंगलों में रहते हैं वो ड्वेलर्स उनको जोड़ा गया है, और साथ में आइलैंड और स्मॉल आइलैंड और रिवर जो है वहाँ पर उनको जोड़ा गया है। ये 7 कैटेगरी को जोड़ के हम लोग चाहते हैं कि हम उज्ज्वला योजना का एक्सटेंडेड वर्जन, उससे हम 8 करोड़ लोगों की मदद कर सकें और सरकार का पूरा सहयोग है इसमें। ये उज्ज्वला योजना का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है सर।